दानिया मलिक परहेजगार और मासूम तरीन खातून है। टिकटॉकर के नए शौहर हकीम शहजाद का बयान। शादी किन शरायत पर हुई, शहजाद की पहले कितनी शादियां हैं, पहलका खेज इंकशाफात ने हंगामा बर्पा कर दिया। दानिया मलिक के साथ चौथी शादी के बाद शौहर अहमद शहजाद ने पहला इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि हमारे मुआशरे में औरत की दूसरी शादी को जुर्म समझा जाता है। मैं शादी को अल्लाह की रहमत समझता हूं और दानिया से मेरी चौथी शादी है और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। दानिया के शौहर का कहना था कि ये निकाह दानिया के वालिद की जिंदगी में हुआ था जो अब इंतकाल कर गए हैं, जबकि इस हवाले से दानिया मलिक का कहना था कि उन्हें जीवन साथी की जरूरत थी, अभी हमारा निकाह हुआ है, रुखसती होना बाकी है। हकीम अहमद शहजाद का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया पर बदकिरदारी के इल्जाम लगाए गए, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आज तक दानिया से ज्यादा मासूम और परहेजगार खातून नहीं देखी। वाज़ह है कि फरवरी 2022 में डॉक्टर आमिर लियाकत ने 18 साल दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी। ये निकाह ज्यादा देर न चल सका और इस पर शौहर की मुबैना नाजेबा वीडियोस लीक करने का इल्जाम लगाया गया था। अब दानिया मलिक ने अपने दूसरे निकाह की खुद तस्दीक की, बल्कि अपने शौहर को दुनिया के सामने लाकर तूफान बर्पा कर दिया, क्योंकि दानिया मलिक से निकाह करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही वकील है जो दानिया के लिए आमिर लियाकत की विरासत में हिस्सा दिलवाने का केस लड़ रहा था। अहमद शहजाद से शादी करने के बाद दानिया का कहना था, मुझे मुश्किल वक्त में एक मर्द की जरूरत थी जो मुझे सहारा दे सके और इसी दौरान मुझे अहमद शहजाद ने निकाह की पेशकश की जिसको मैंने कबूल कर लिया।